देख सकते हैं हमारे साथ इस शोभा यात्रा में पहली बार इस बार की रामनवमी को, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि भव्यता देने के लिए सारी तैयारी की गई है। इस बार आप देख सकते हैं हमारे बहने हैं जो स्कूटी पर एक भेस में जय श्री राम के नारों को बुलंद करते हुए हैं। हम सीधे बात करेंगे पहली बार रामनवमी में भव्य शोभा यात्रा को और भव्यता देने के लिए इस तरह आप लोग स्कूटी पर सवार होकर एक भेस पे क्या हमारा हम वह पहली बार ऐसा गढ़ों में हुआ, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश है कि हम लोग को ऐसा मौका भी मिला गढ़ों में होके कि ऐसा कहीं अभी झारखंड में लाइक रांची के अलावा कहीं तो होता नहीं है। तो इस बार तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ ऐसा हो, तो हम लोग चाहते हैं हर साल ही ऐसा हो। सही बात है, हर साल ऐसा हो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। वी आर एक्साइटेड, सो एक्साइटेड फॉर रामनवमी पूजा महोत्सव जी। ये हर साल क्या कहोगी, हर साल इस पर भयपता और देने के लिए रामनवमी को, जैसा 2 साल कोरोना का गुजरा था, कोई आयोजन नहीं हो रहा था, कोई पर्व त्यौहार नहीं हो रहा था, इस बार कार्यक्रम और भव्यता देने के लिए इस तरह की शुरुआत की गई। बहुत अच्छी तरह की शुरुआत की गई है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कियों को भी आगे ये सब चीज में पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और इस रैली में चल के बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत वी आर सो हैप्पी, हम लोग को इतना बड़ा चांस मिला रानी लक्ष्मीबाई बनने का। बहुत गर्व की बात है कि गढ़वा में ऐसा हो रहा है, नारियों को आगे रखा जा रहा है और शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हर अच्छा लग रहा है। हम लोग जो हैं हिंदू संस्कृति में जैसे नारियों को आगे बढ़ाया जाता था, इस बार कोरोना जो आया, ठीक है, हमारी देवी माँ की कृपा से कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ लोगों को क्षति हुई है। और इस बार का ये रामनवमी पूजा, ये दिखाया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हिंदू संस्कृति में लड़कियों की क्या महत्व है, लड़कियां किस प्रकार से शक्तिशाली है। धर्म के लिए हम हमेशा आगे थे और हमेशा आगे रहेंगे, और जिस तरीके से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हर समय हम अपने धर्म को, हम अपने सनातन धर्म का नेतृत्व करके इस धर्म को और भी आगे ले जाएंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने इस धर्म के लिए इतना किया है कि कई लोगों को तो बलिदान भी देने, ना कभी लड़कियां हमारे यहाँ के, ना कभी महिलाएं अबला थी, ना अबला है, कल भी सबला थी, आज भी सबला है, आगे भी सबला है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह के भारतीय अगले साल भी ये हिंदू समाज आगे बढ़े, हम लोग भी अगले साल बढ़ चढ़ के सब संख्या में भाग ही ले। सही बात है। अब एक बार हम दिखाना चाहेंगे, आप देखिए किस तरह हमारे घर के बेटियों को एक वेशभूषा में सज करके, हाथ में तलवार लेकर के, तलवार आगे करो, तलवार हाथ में, तलवार आप देख सकते हैं। महिलाएं हमारे यहाँ के, हमारी लड़कियां कल भी अबला नहीं थी, आज भी अबला नहीं है, कल भी अबला नहीं रहेंगी, वो कल भी सबला थी, आज भी सबला है। और सनातन धर्म के ध्वजा को इन्होंने बुलंद कर दिया है। अब सनातन धर्म को कोई भी चाहे तो, कल भी नहीं डिगा पाया था, आज भी नहीं डिगा पाएगा। जय श्री राम।